नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रविकांत भट्टाचार्य के साथ आरडी न्यूज। आज की खबर कुछ इस प्रकार। आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। खेत में फसल कटाई का कार्य करते समय आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक किशोर व बालिका भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद सभी घायलों को कामा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि किशोर व बालिका का उपचार कामा अस्पताल में जारी है। गामबादीपुर निवासी ने बताया कि जसराम चौधरी की पत्नी शीला अपने भतीजे गिरीश पुत्र पदम सिंह व अपनी भतीजी साक्षी पुत्री पदम सिंह के साथ खेतों में फसल कटाई का कार्य कर रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से शीला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गिरी व साक्षी गंभीर रूप से झुलस गए। परिजनों द्वारा सभी घायलों को कामा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने शीला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल पहुंची कामा थाना पुलिस ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामला था? मेरा नाम रूप सिंह है, गांव वादीपुर में जसराम दूधिया के घर से मतलब महिला खेत पर काम कर रही थी, शीला नाम है। हाँ, और वो अचानक बीज डिपरने से उसकी मौत हो गई मौके पे। और उसके साथ कौन घायल हुआ है? घायल ग्रीस उसका भतीजा था, एक बच्ची। तो ये सूचना किसको किसने दी आपको? ये सूचना वहाँ पर काम करने वाले और भी थे। आपका नाम? रूप सिंह। दोस्तों, इसी प्रकार कामा विधानसभा क्षेत्र की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे आरडी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाकर खबरों को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।